हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल ऑन सुपर ब्यूटी हैक्स विद हर कार। गाइज, मैं आज आपके साथ मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था। मुझे काफी ज्यादा कमेंट आए थे कि मॉनसून में मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन कैसे हो रहा है, तो मैंने अपना फुल वीकली स्किन केयर रूटीन यहाँ पे शूट कर रही हूँ। वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल हुआ ना, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले फेस क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो फेस वॉश कर सकते हैं या फिर मेरी तरह वेट वाइप लेके अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना जॉनसन बेबी का वेट वाइप्स, मैंने आपको दिखाया नहीं, अभी दिखा देती हूँ। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस, इससे अच्छा से फेस क्लीन हो जाता है, कुछ भी नहीं होता इसमें। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का क्लिनजिंग मिल्क। अगर आपके पास कोई भी क्लिनजिंग मिल्क हो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जितने प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आपको सारों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपने देख लीजिए मैं कैसे उसको अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा वीडियो मैंने फास्ट किया है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी अगर मैंने बनाया। तो आपने तो बिल्कुल सॉफ्टली अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से मसाज करना है। कुछ कुछ मैंने क्लिनजिंग के स्टेप्स भी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो आपने वैसे ही क्लिनजिंग करनी है। तो हमेशा आपने अपनी नेक से स्टार्ट हो के देन चिन, देन नोज़, देन चीक, देन आइज, देन फोरहेड पे आपने अच्छे से क्लिनजिंग कर लेनी है। आफ्टर क्लिनजिंग के करने के बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए या फिर वेट वाइप के साथ क्लीन कर लीजिए। तो बीच बीच में आप अपने फेस को वेट कर सकते हैं और रोज़ वाटर की हेल्प से या फिर वाटर की हेल्प से। तो आपने इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। कोई भी प्रोडक्ट आपके फेस के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ये इन्फेक्शियस डर्ट कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ओजोन का गोल्ड रेडियंस स्क्रब। तो गाइज, आपने इसको एज अ पैक अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई करना है फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर का स्प्रे कर लिया है, देन मैंने इसको जेंटली माइल्डली स्क्रब है और सर्कुलर मोशन में मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्रस्ट मी गाइज, बहुत अच्छा है। जो टीनएजर्स हैं या फिर जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा माइल्ड स्क्रब है, बहुत अच्छा है और ये डस्ट को अच्छे से निकाल देता है। आपने ध्यान रखना है, आपने कभी भी अपने आईज पे एक्सफोलिएट नहीं करना है। मैं वेट वाइप ढूंढ रही थी, वेट वाइप पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दिए थे, तो अपने फेस को क्लीन कर लेना है। तो अब बात आती है पैक की। मैंने यहाँ पे ओजोन का कॉम्प्लेक्शन पैक यूज़ कर रही हूँ। इसको रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके आपने अपवर्ड स्ट्रोक में इसको अप्लाई करना है। फेस और नेक पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। इसको 15 मिनट्स रखने के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। और गाइज, ये हल्की सी टिंगलिंग देता है एंड जस्ट सी द रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना ज़्यादा मेरा फेस क्लीन हो चुका है, ग्लो आ चुका है। एंड गाइज, अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है या हेयर केयर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर जल्दी से वीडियो बनाऊंगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम फ्लैश करूं आपके, तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करना है हर कार सुपर ब्यूटी हैक्स विद हर्ट। एंड गाइज, तो आप देखेंगे कि आपका नाम फ्लैश होगा और जितने मुझे कमेंट आएंगे मैं सबके नाम फ्लैश करूंगी। एंड गाइज, वन मोर थिंग, एंड क्या मुझे इंस्टा अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं? इंस्टा का अकाउंट का जो नाम है वो है सुपर ब्यूटी हैक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।